हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी की न्यू अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड। पूछा गया था इसका सिलेबस क्या रहने वाला है एंड तैयारी कैसे करें। बात करें सिलेबस की तो वही रहने वाला है जो अभी तक चलते आ रहा था। कुछ मॉडिफाई किया जाता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन 99.99% चांसेस यही है कि सिलेबस वही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी वही रहने वाली है। क्या तो वही 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल, 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 25 क्वेश्चन जीके एंड जीएस पर सब्जेक्ट। टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट तैयारी कैसे करें, स्पेशली मैथ एंड जीके जीएस के लिए पूछा गया था। हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन, हिंदी और इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान सेक्शन लैंग्वेज सेक्शन ही होता है। इसमें हिंदी तो क्या ही बात, कोई बिन पढ़े भी अच्छे स्कोर आसानी से गेन कर सकता है। देन सेकंड रीजनिंग एंड मैथ्स एक साथ ही देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड यूनिट, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से ही आते हैं, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते, कुछ क्या ज्यादातर नहीं कर पाते, कोर नहीं कर पाते जो कि पेपर आने से पहले, पेपर जब एकदम से पास आ जाते हैं ना एक मंथ पहले दो मंथ पहले स्टार्ट करता है। तो भाई यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग है ना प्रैक्टिस मांगती है। क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज भी हेर फेर होगा, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। कौन कर पाता है जो कि काफी टाइम से प्रेपरेशन कर रहा हो। एंड बात करें चैप्टर की तो लाइक मैथ्स में ले लेते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन, बॉट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, रेशन, प्रोपोर्शन एंड एज एवरेज। यही कुछ कॉमन यूनिट है जहां से जो क्वेश्चन है 100% आते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं, एक बच्चे का कमेंट भी था, हम ये सभी टॉपिक कर चुके हैं, सभी ये जो यूनिट है हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन के लिए बैठते हैं तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, आप ना एग्जाम्पल मान लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा रटते हैं क्या बिल्कुल से, अगर वो जो क्वेश्चन है उसकी जो लैंग्वेज है एज इट इज पेपर में आ जाती है, आप कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा हेर फेर हो गया, वही दिमाग हो गया गोल, आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि टॉपिकेशन ही है, आपको ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा भाई क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा, प्रैक्टिकली लाइफ में उतारना होगा, उसके बाद ही हम वो कर पाएंगे। तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तभी आप वो सब कर पाएंगे, ठीक है। एंड बात करें इसके लिए बुक की, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पूछा हुआ था भाई हम इस बुक से पढ़ रहे हैं एक्स वाई जेड, हमारे पास ये बुक है, क्या ये इस लेवल की है या हाई लेवल की है, लेवल ही समझ नहीं आता। तो इसके लिए सबसे सही रहेगा टेक्स्ट बुक की ये वाली बुक। इसकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो यही है कि डिफिकल्टी लेवल वाइज हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में TTA भी है, टाइम टू आंसर, जिससे हमें पता लगेगा हर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है इसे परफेक्टली इस टाइम में हमें कर लेना है। और इसके अलावा इस बुक में स्मार्ट आंसर की प्लस सॉल्यूशन के साथ ही फ्री वीडियो लेसन्स भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे मुझे दो ही फीचर लगे, नंबर एक जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्टी लेवल वाइज है, इसके बाद जो एक कंफ्यूजन होता है ना भाई ये वाले क्वेश्चन इस लेवल के नहीं इस लेवल के हैं, हमारे जो पेपर में है इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये वाली जो कंफ्यूजन है, ये वाली जो क्वेरी है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है उनकी हमें डिफिकल्टी लेवल वाइज डिवाइड करके मिल ही गया है, लेकिन हमें पता होगा भाई ये किस लेवल का क्वेश्चन है। और इसका एक ना एक प्लस पॉइंट भी है कि भाई हम इस लेवल से लेकर इस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं एक ही बुक से, हमें कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी अगर हम ये ले लेते हैं तो इस लेवल से इस लेवल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। देन सेकंड टाइम टू आंसर मैंने बताई दिया, टाइम टू आंसर भी ये तो पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमें आधा घंटा नहीं देना है, कितनी सेकंड देना है, कितना मिनट देना है, ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देन मैथ्स के लिए बहुत बातें हो गई, मेन यही है कि प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, जीके जीएस के लिए एक बुक सफिशियंट नहीं होती है। अगर हम लास्ट एक मंथ पढ़ रहे हैं और बस यहीं से पढ़ रहे हैं, वहीं से सब कुछ आ गया भाई, ये तो बाय लक ही हो सकता है। जो काफी टाइम से पढ़ रहा है, जिसके पास काफी बुक्स है, काफी बुक्स मतलब बहुत सारी हो, ऐसा भी नहीं है कुछ सिलेक्टेड हो, जैसे कि बेसिक तो लुसेंट ही होता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो करंट अफेयर्स ही, करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे अगर आप एक वीक दो वीक दे रहे हैं रट रहे हैं तो शायद वहां से आ जाए, लेकिन ये बहुत ही कम होगा। अगर करंट अफेयर्स पे अभी से हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तभी हमारी करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगी, तभी हमें आगे जाके इसका फायदा होगा। सो मेन यही है कि अगर अभी से आप बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ना कि नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं होगा, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, जो कि आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।